हेलो स्टूडेंट्स वेलकम सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर बट ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ सो बेसिकली जब आप ग्रामर की बात करते हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम ग्रामर में सीखते हैं या जो हमको सीखना चाहिए मास्टर करना चाहिए दैट इज वर्ब नाउ क्यू वर्ब उसके पीछे का लॉजिक उसके पीछे का रीजन भी जान लेंगे बिकॉज आई बिलीव अगर आपको लॉजिक या रीजन पता होता है तो फिर चीजें समझने में आसानी होती है और मजा भी आता है राइट सो वेन यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर ग्रामर का डेफिनेशन होता है कि ग्रामर इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सो ग्रामर बेसिकली इज नथिंग एल्स बट अरेजमेंट ऑफ वर्ड्स अब ये वर्ड्स को अगर आप सही तरीके से अरेंज नहीं करते हो तो तुरंत आपकी टीचर बोल देती है कि यू हैव मेड अ ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते वॉट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इज ऑल अबाउट बट देन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कब होती है जब हम हमारे वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज नहीं करते हैं एक बेसिक आपको एग्जाम्पल देती हूं ये वाला एक सेंटेंस है आई डिड नॉट ब्रॉट माई बुक ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है जब आप बोलते हो आई डिड नॉट ब्रॉट माई बुक और ये आप कहीं लिख के आपके टीचर को देते हो तो आपकी टीचर तुरंत इसको अंडरलाइन करती है

आपकी सेंटेंस हो जाती है ग्रामेटिकली राइट ऊपर वाली सेंटेंस है ग्रामेटिकली रॉन्ग नाउ इस सेंटेंस में आपका अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया सेंटेंस नंबर वन में आपने क्या किया आपने डिड के पास एक पास्ट टेंस को अरेंज कर दिया जो ग्रामर में अलाउड नहीं है या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल

प्ले टूडे या फिर मैं कह सकती हूँ आई डिड नॉट गो आउट इन द इवनिंग ये सारी सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि मैंने डिड के पास प्रेजेंट टेंस को अरेंज किया अगर आप डिड के पास पास टेंस को अरेंज करते हो तो आपकी सेंटेंस हो जाती है ग्रामेटिकली रॉन्ग ग्रामर का सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन समझ में आया राइट सो व्हाट इज ग्रामर ग्रामर इज नथिंग एल्स बट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जब गड़बड़ हो जाता है तो आपकी सेंटेंस ग्रामेटिकली रोंग हो जाती है ठीक है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम बचपन में ग्रामर में सही तरीके से सेंटेंसेस को अरेंज करना सीखते हैं रादर मैं आपको थोड़ा सा और इसको एलॉबरेट करके एक्सप्लेन करूं तो एज अ चाइल्ड हमको सबसे पहले सेंटेंस सिखाया जाता है सो so, जब आपको सेंटेंस सिखाया जाता है आपको सेंटेंस का डेफिनेशन बताया जाता है सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स राइट अब सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स काफी नहीं है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस या फिर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस अब देखिए आप खुद सोचिए जब हम बोलते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस एंड आप मुझे बताइए कि अगर आपका अरेंजमेंट सही नहीं है तो विल योर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एवर मेक एनी काइंड ऑफ सेंस नो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंस बिकॉज यू हैव नॉट अरेंज योर वर्ड्स प्रॉपरली सो वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स only having a group of words is not going to be enough. वो group of words आपका सही तरीके से जब arrange होता है तभी वो complete sense make करता है और सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो वो समझ में आता है right? इसका मैं एक बहुत बचपन वाला basic सा example देती हूँ Let me take you back to your grade वन So when you say Ram is a good boy, now in this sentence this is a group of words. हमारे पास एक group of words है राम इज अ गुड बॉय और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस क्योंकि आपने इसको ग्रामेटिकली सही तरीके से अरेंज किया है लाइक like, राम आपका सब्जेक्ट है एंड देन सुटेबल एग्जेक्टिव एंड अबल नाउन और अ वर्ड सो यू हैव गॉन इन द प्रोपर पैटर्न राइट अब ये जो चीज है राम इज अ गुड बॉय इसी को अगर मैं लिख दू बॉय इज अ गुड राम बॉय इज अ गुड राम में क्या होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट मेकिंग एनी कॉल दिस नो वी कैनॉट कॉल इट एज अटेंस सेंटेंस वन को हम सेंटेंस बोलेंगे बिकॉज ये हमारे सेंटेंस के दोनों कंडीशन को मीट करता है कंडीशन वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंडीशन टू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज मेकिंग कंप्लीट सेंस राइट जबकि आप सेकेंड सेंटेंस को अगर देखते हो तो आपके सेकेंड सेंटेंस में क्या हो जाता है आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते इतनी चीज समझ में आई मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से और बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूं सो दैट यू डोंट एवर हैव एनी कंफ्यूजन विद ग्रामर और विद द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टू दैट इज टेंसेस सो वी आर डूइंग इट राइट फ्रॉम अ स्क्रैच राइट तो ये चीज समझ में आई लेट अस मूव अहेड अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ग्रामर में मैंने आपको सेंटेंस बताई अब लेट अस टेक अनदर सेंटेंस द हंटर किल्ड द लायन अब जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो दो हंटर किल्ड द लायन आपको पता है कि नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस वाइट इज अ कंप्लीट सेंटेंस वन बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेकेंड बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज मेकिंग कंप्लीट सेंस तो हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं अब क्या होता है आपकी टीचर आपको सिखाती है कि बेटा ये जो सेंटेंस है इसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हंटर की बात कर रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया एंड इसके बाद जो आप जो भी बात कर रहे हो आपके सब्जेक्ट के बारे में वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस पार्ट बिकम्स योर प्रेडिकेट तो हमको बचपन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिखाया जाता है वी कम टू नो दैट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम क्या बात कर करें वो हमारा प्रेडिकेट है देन जब आप थोड़े से हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो आपकी टीचर कहती है कि बेटा आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ये तो आपका सब्जेक्ट है बट देन आपके प्रेडिकेट को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू टू पार्ट्स अब ये दो पार्ट्स क्या है द फर्स्ट पार्ट इज योर वर्ब किल्ड आपके सेंटेंस का वर्ब है एंड द लायन आपका ऑब्जेक्ट हो गया अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न हम सबने सीखा है हम सबको पता है लेकिन अभी इसमें आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल आई ओपनर अब ये आई ओपनर क्या है अभी आई ओपनर ये है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब नाउ वाई इज वर्ब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब आई रिपीट यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब अब आप सोचो अगर आप सेंटेंस ही नहीं फ्रेम कर पा रहे हो तो ग्रामर कहां से पिक्चर में आता है फिर ग्रामर तो जीरो हो गया ग्रामर की तो जरूरत ही नहीं है यानी ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है वर्ब का है अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो आपकी सेंटेंस नहीं बनेगी देर आर सिचुएशन जब आप बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो देर आर सिचुएशन जब आप बिना ऑब्जेक्ट के एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम सो इफ आई से गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर सो जब मैं आपको बोलती हूं गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस इट इज मीटिंग बोथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड हमारे पास है बिल्कुल है इज इट मेकिंग सेंस इट इज बिल्कुल मेकिंग सेंस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं आपसे एक ग्लास पानी मांग रही हूं राइट right? बट इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है आपकी सेंटेंस शुरू होती है वर्ब से आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं है ग्लास ऑफ वाटर इज योर ऑब्जेक्ट बट स्टिल दिस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आप बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो सारे सेंटेंसेस नहीं बट आप सेंटेंस को बना सकते हो राइट द सेकेंड इज आप बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हो क्या द आंसर इज यस आप बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बर्ड्स फ्लाई तो यहाँ पे बर्ड्स मेरा सब्जेक्ट है एंड फ्लाई मेरा वर्ब है यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है हम ये कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एन सेंस नो हम ये नहीं कह सकते कि दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस सो इन द फर्स्ट केस द सब्जेक्ट इज मिसिंग स्टिल द सेंटेंस इज मेकिंग सेंस इन द सेकेंड केस द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग स्टिल द सेंटेंस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस बट अगर आप वर्ब को गायब कर देते हो अगर आप वर्ब को निकाल देते हो अगर आप वर्ब को, को यहां से छुमंतर कर देते हो योर सेंटेंस विल फेल टू मेक कंप्लीट सेंस समझ में आई बात मतलब वर्ब आपके ग्रामर की दुनिया का भगवान है वर्ब के बिना आपकी सेंटेंस बनेगी नहीं आप सेंटेंस अगर बनेगी नहीं तो आप ग्रामर क्या करोगे ग्रामर तो फिर उसके बिना लॉजिक ही नहीं रहता इट बिकम्स जीरो सो इतनी चीज हुई सो so, हमने यहाँ पे क्या सीखा सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फर्दर आपके प्रेडिकेट को आप और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो that is verb and object. Further, आप subject के बिना एक सेंटेंस बना सकते हो और आप एक ऑब्जेक्ट के बिना भी एक सेंटेंस बना सकते हो बट यू कैनॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब दस माचस क्लियर राइट आगे बढ़े अब जब हम आगे बात करते हैं तो अब अपना फोकस कहाँ पे आ गया अब अपना फोकस आ गया वर्ब के ऊपर राइट right? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच और द मोस्ट नीडेड पार्ट ऑफ स्पीच दैट यू हैव इन अंटेंस इज अ वर्ब अब देखिए बचपन में हमने वर्ब का डेफिनेशन पढ़ा है हमको वर्ब का डेफिनेशन बताया गया है कि वर्ब इज अक्शन वर्ड हम सब ने ये चीज पढ़ी है कि वर्ब क्या है वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है अब ये एक्शन वर्ड क्या करता है हमको बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है सो so, छोटे से बेसिक हैं इफ यू से राम इज प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट तो आपका एक्शन वर्ड हो गया सी श्लीपिंग, तो श्लीपिंग आपका हो गया आई एम टीचिंग तो टीचिंग एक्शन वर्ड हो गया या फिर अगर हम इसको और फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो अगर आप बोलते हो आई ब्रश माई टीथ एवरी डे तो ब्रश एक्शन हो गया या फिर आप बोलते हो कि माई मदर कुक्स फूड तो कुक्स एक्शन हो गया सो so, वर्ब इज अक्शन वर्ड बट ये एक्शन वर्ड के कुछ फंक्शंस हैं तो वो फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे और ये फंक्शंस आपका बेस रेडी करेंगे हमारे आज के टॉपिक के लिए विच इजेंस्ट फंक्शन ऑफ अ वर्ब इज इट हेल्प टू फ्रेम अ सेंटेंस ये चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी कि आपका सेंटेंस किसके बिना नहीं बन सकता आपके वर्ब के बिना नहीं बन सकता तो इट हेल्प्स टू फ्रेम अ सेंटेंस ये हो गया हमारा पहला फंक्शन ऑफ अ वर्ब राइट ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है नॉ वेन यू टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन द सेकेंड फंक्शन इज इट टेल्स अस द टेंस ऑफ द सेंटेंस आपकी जो कोई भी सेंटेंस है वो सेंटेंस का टेंस क्या है वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस वेदर इट इज past टेंस वेदर इट इज फ्यूचर वेदर इट इज प्रेजेंट continuous, past continuous, फ्यूचर continuous, प्रेजेंट परफेक्ट past परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट जो कुछ भी है वो आपको आपका वर्ब बताता है इट टेल्स us द टेंस ऑफ अ सेंटेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट टेल्स us द एक्शन डन वो आपको बता देता है कि क्या एक्शन हो रहा है ठीक है सो इट टेल्स us द एक्शन डन So this is clear। अब ये हो गया आपका तीन फंक्शन ऑफ द वर्ब अब इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट शी स्लीपिंग आई एम टीचिंग आप बोलोगे माई मदर इज कुकिंग फूड या फिर यूल से आई ब्रश माई टीथ एवरी डे ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बननी नहीं है तो आप कोई सेंटेंस सोच ही नहीं पाओगे जिसमें वर्ब नहीं है तो एक्शन वाला पार्ट भी समझ में आ गया अब uh, कभी 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 ऐसे होता है कि कुछ क्यूरियस बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मैम आई uh, एम अ बॉय इसमें क्या एक्शन हुआ इसमें तो कोई एक्शन नहीं है तो यू आर राइट इसमें कोई एक्शन नहीं है लेकिन इसमें वर्ब है सो so, अब वर्ब कहां है अब देर इज वन मोर पार्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ वर्ब

हेल्पिंग वर्ब क्या करता है Helping verb help करता है। किसको हेल्प करता है वर्ब को हेल्प करता है अब वर्ब को कैसे हेल्प करता है अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वर्ब गया छुट्टी मनाने ठीक है आपका वर्ब जब छुट्टी मनाने जाता है तो वर्ब की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स कौन करता है वर्ब की जगह कौन लेता है वर्ब के फंक्शंस कौन करता है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब 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 करता करता है अब verb verb के सारे नहीं करता। क्योंकि अगर वो सारे फंक्शन कर दे तो फिर हम उसको वर्ब नहीं बुलाए लेकिन वो तो हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ थोड़ा सा मामूली साइंट वन परसेंट पॉइंट फर्क होना चाहिए ना तो फर्क है फर्क क्या है कहा है वो अभी हम समझेंगे तो सबसे पहला फंक्शन क्या है सबसे पहला फंक्शन है इन द एबेंस ऑफ द मेन वर्ब मेन वर्ब क्या हो गया आपका एक्शन वर्ब हो गया जो आपको एक्शन बताता है So in the absence of the main verb, the helping verb helps you to frame a sentence. In the absence of the main verb, what does the helping verb do? The helping verb helps you to frame a sentence. All right. So ये हो गया इसका पहला function. तो जब आपके पास verb नहीं है तो आपका helping verb आपको एक sentence को frame करने में help करता है फंक्शन पहला क्लियर हो गया राइट नाउ द सेकेंड फंक्शन इट द सेंटेंस यहाँ पे आपका सेकेंड वाला फंक्शन सेम है राइट इट टेल्स एस टेंस ऑफ सेंटेंस। आपको मेन वर्ब बी टेंस ऑफ द सेंटेंस बताता है एंड हेल्पिंग वर्ब बी टेंस ऑफ द सेंटेंस बताता है अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेन वर्ब करता है हेल्पिंग वर्ब आपको एक्शन जो प्रॉपर एक हम एक्शन बोलता है वो नहीं बता पाता तो उसके जगह पे वो क्या करता है उसके जगह पे इट कंबाइंस विद द मेन मेन वर्ब जब वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब के साथ कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस फ्रेम करने में हेल्प करता है ऑल राइट सो बेसिकली वॉट डज इट डू इट कंबाइंस विद वर्ब एंड हेल्प्स यू टू फ्रेम अ सेंटेंस यहां पर मैं मेन वर्ब को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देती हूं आई राइट इट एज एम वी सो इट कम्बाइन विथ द मेन वर्ब एंड हेल्प टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑल राइट सो मेन वर्ब को आप एम वी बोल सकते हो और हेल्पिंग वर्ब को आप एच वी बोल सकते हो ये चीज समझ में आई बच्चा लोग दिस इज क्लियर सो बोर्ड पे अभी आपको क्या दिख रहा है आपको तीन फंक्शंस दिख रहे हैं वर्ब के पहला फंक्शन इट हेल्प्स टू फ्रेम अ सेंटेंस सेकेंड फंक्शन इट टेल्स यू अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द थर्ड फंक्शन इट टेल्स अस द एक्शन डन व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे वर्ब को हेल्प करता है पहला फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द मेन वर्ब द हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स यू टू फ्रेम अ सेंटेंस सेकेंड इट टेल्स अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस एंड थर्ड इट कंबाइन्स विद द मेन वर्ब एंड हेल्प टू फ्रेम अटेंस ये चीज क्लियर हुई राइट नो प्रॉब्लम नो डाउट नो डिफिकल्टी एज फार एस दिस स्लाइड इज कंसर्न चलिए लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी दैट मैं थोड़ा सा वर्ब को डिटेल में डिस्कस कर रही हूं सो वेन यू टॉक अबाउट वर्ब थोड़े से वर्ब के टाइप्स को समझ लेते हैं बिकॉज ये टाइप्स आपको टेंसेस समझने में हेल्प करेंगे सो so अभी हम एक वर्ब का टेबल पढ़ते हैं वर्ब का टेबल हम समझने की कोशिश करते हैं सो वी आर डूइंग द टेबल ऑफ वर्ब्स सो अब ये जो वर्ब की टेबल है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी वर्ब की दुनिया बहुत बड़ी है आपकी वर्ब की दुनिया बहुत बड़ी है बहुत बहुत अलग अलग टाइप के वर्ब्स हैं जितना आप उनको ज्यादा अच्छे से समझोगे जितना एक्यूरेसी के साथ समझोगे उतना आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी एंड आपका ग्रामर के ऊपर कमांड या ग्रामर के ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी ऑल राइट सो वेन यू टॉक अबाउट द टेबल ऑफ वर्ब लेट लेटस अंडरस्टैंड कि ये जो टेबल ऑफ वर्ब है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो so इसमें हम पहले पढ़ेंगे वी उसके बाद हम पढ़ेंगे वी उसके बाद हम पढ़ेंगे वी और उसके बाद हम पढ़ेंगे V4 अब ये चीजें क्या है V1 V2 V3 V4 मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती वी वन इज कॉल्ड एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है ये आपका बेस फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म जिस फॉर्म में आपका वर्ब होता है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं ठीक है आपका V2 हो गया पास टेंस या फिर पास फॉर्म ऑफ द वर्ब अब कुछ बच्चे ये लिखते ही तुरंत बोलते हैं कि मैम V3 थ्री इज फ्यूचर टेंस फ्यूचर नहीं है यहां पे फ्यूचर है ही नहीं मैं आपको एक आज पते की बात बताती हूँ ग्रामर के साथ साथ एक लाइफ मंत्र देती हूं आपका लाइफ मंत्र ये है कि आपका फ्यूचर बनाने के लिए आपको आपके प्रेजेंट की जरूरत पड़ती है ग्रामर भी इसी रूल को मानता है सो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर फ्यूचर यू द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंट तो फ्यूचर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आप आपके प्रेजेंट पे काम करो आपका फ्यूचर बन जाएगा ग्रामर में भी ठीक है वो भी आपको समझाऊंगी आगे व्हेन यू टॉक अबाउटिपल इसको हम बोलते हैं, जब हम की बात करते हैं तो वी फोर इज नथिंग एल्स बट इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वी फोर हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छा आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप वी वन प्लस आई एन जी भी बोल सकते हो तो आपका जो भी वी वन है उसमें जैसे ही आप ing को एड करते हो आपको क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है आपका v4 फोर ऑल राइट नाउ इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल्स सो लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल फर्स्ट एक छोटा सा वर्ड में लेती हूँ बेसिक सा वर्ड लेती हूँ एंड द वर्ड इज किक नाउ ये जब वर्ड हम लेते हैं किक हमको पता है कि ये वर्ब है एक्शन बता रहा है क्या एक्शन बता रहा है लात मारने का या करने का राइट right? अब ये जो वर्ड है आपका किक अब इस वर्ड में अगर मान लीजिए आपको मैं बोलू या आपको मैं पूछूं कि बेटा इसका पास टेंस क्या है इफ एस क्यूज पास ऑफ द वर्ड किक तो आप बोलोगे कि मैम द टेंस इज किक्ड आपका पास टेंस आप मुझे बताओगे कि है किक्ड के आई सी के ई डी अब मैं अगर आपको पूछती हूँ कि बेटा ये टेंस मिला कैसे आपने बनाया कैसे इसको तो आप बोलोगे मैम बेसिक एकदम सिंपल है मैंने किक के एंड में ईडी ऐड किया और मुझे टेंस मिल गया वेरी गुड सही है अब इसका अगर मैं पास पार्टिसिपल बनाऊं तो इसका पास पार्टिसिपल भी होता है किक्ट, K -I -C -K -E -D. अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करना फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना कि किक कि का पास टेंस है पास पार्टिसिपल भी किड है सही समय आने पे मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है एज ऑफ नाउ आपको यही याद रखना है कि द पास टेंस ऑफ इज एंड द किस्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो किड

अब ये जो आपका बेस फॉर्म है किक आप देखोगे कि चारों फॉर्म्स में आपको आपका बेस फॉर्म क्लियरली नजर आ रहा है राइट इट इज वेरी क्लियरली विजिबल अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल प्ले अब ये जो वर्ड प्ले है इसका पास टेंस कैसे बनेगा इसका पास टेंस बनाने के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे प्लस प्लेड देन इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सेम बनेगा दैट इज प्लस प्लेड प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा वी वन प्लस में भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो बेस फॉर्म है तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे हमने प्लस ईडी किया यहाँ पे हमने प्लस ईडी किया यहाँ पे हमने प्लस आई एन जी किया ऑल राइट right. अब ये वाले जो वर्ब्स है ना इनको हम बोलते हैं वीक वर्ब्स वीक वर्ब्स क्यों बिकॉज कमजोर होते हैं अब कमजोर मतलब कमजोर क्यों कमजोर इसलिए क्योंकि आप इनको इजिली तोड़ मरोड़ के चेंज कर सकते हो मतलब ज्यादा तोड़ना मरोड़ना भी नहीं है आपको सिर्फ ईडी ईडी आई एन जी ईडी ईडी आई लगाना है अच्छा रेयर केसेस में तो ऐसे भी होता है कि अगर आपका ई ऑलरेडी प्रेजेंट है एज इन डांस तो हम उस केस में क्या करेंगे हम उस केस में तो सिर्फ एक्सेप्शन e -E -E है इसीलिए आपका थोड़ा सा क्या होगा ई e चेंज हो जाएगा ई e हट जाएगा और आई एन जी आ जाएगा सो बेसिकली इफ यू सी प्लस डी प्लस डी प्लस आई एनजी या फिर प्लस ईडी प्लस ईडी प्लस आई एन जी ये पैटर्न हमने सब जगह पे फॉलो किया है तो ये वीक वर्ब्स हम इनको बोलते हैं या फिर हम इनको रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स क्यों बोलते हैं बिकॉज हम एक रेगुलर सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं प्लस ईडी प्लस ईडी प्लस आई एनजी प्लस डी प्लस डी प्लस आई एनजी आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सब जगह पे अच्छे से है मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है आप देख रहे हो अब हम करते हैं क्योंकि सारे ऐसे नहीं हैं हैं हम की तरफ बढ़ रहे अब अब में मैं कर रही ये जो वर्ड ईट है अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछू तो आप आंसर दोगे कि मैम ईट का पास्ट टेंस है एट वेरी गुड इसका पास्ट पार्टिसिपल पूछू तो आप बोलोगे मैम इसका पास्ट पार्टिसिपल है और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ईटिंग e -E तो ई उतने कमजोर नहीं है ये वाले वर्ड उतने कच्चे नहीं है इनको चेंज करने के लिए मैं सिर्फ डी डी आई एनजी और e -D -E -D -I -N -G नहीं लगा रही हूँ वट आई एम डूइंग मुझे सोच के पूरे कंप्लीट वर्ड को चेंज करना पड़ा ईट का पास टेंस ईडी लगा के मुझे नहीं मिला ईट के पास टेंस को बनाने के लिए मुझे सोचना पड़ा और उसके पास टेंस को लिखने के लिए मुझे पूरी स्पेलिंग को चेंज करना पड़ा राइट ए टी ई इन द सेम वे जब मैं ईटन लिख रही हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ ईडी या सिर्फ डी नहीं चलेगा ये तो कुछ नया वर्ड बना है ईटन एंड देन Eating तो बेसिक है V1 plus ing. अब अगर मैं को को मेरे बेस ढूंढने को की कोशिश करूं पहले जगह पे मिल गया दूसरे जगह पे नहीं मिला तीसरे जगह पे मिला चौथे जगह पे मिला लेकिन मैं अगर इसको दोबारा अच्छे से देखूं तो आई रियलाइज कि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सेट ऑफ वर्ड्स अपना कौन सा हो गया ये सेट ऑफ वर्ड्स अपना स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो गए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्यों क्योंकि इजीली आप इनको तोड़ मरोड़ नहीं पा रहे हो वन सेकेंड ये एक रेगुलर सा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं राइट right? और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं और एक एग्जांपल है सिंग सिंग तो जब आप को पास्ट में लिखते हो इट बिकम्स सैंग सैंग को जब आप पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हो इट बिकम्स संग एंड संग को जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हो तो इट बिकम्स सिंगिंग सिंग सैंग singing ring rang rung ringing drink drank drunk drinking write wrote written writing fly flew flown flying right तो अब अगर आप देखोगे fly fly मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ तो ये हो गया flew ये हो गया flown और ये हो गया flying आप देखोगे कि कहीं पे भी एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है आप प्लस डी प्लस डी प्लस आई एन जी या प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस आई एन जी नहीं यूज कर पा रहे हो सिंह हमको यहां दिखा सेकेंड केस में सिंग नहीं दिख रहा है मुझे थर्ड में नहीं दिख रहा है फोर्थ में दोबारा मुझे दिख रहा है फोर्थ में तो दिखना ही दिख है बिकॉज दैट इज वी वन प्लस आई एन जी फ्लाई यहां पे दिख रहा है फर्स्ट केस में सेकंड में नहीं दिख रहा है थर्ड में नहीं दिख रहा है और फोर्थ केस में मुझे दिख रहा है तो ये वाला सेट ऑफ वर्ड्स क्या हो गया इरेगुलर वर्ड्स या फिर स्ट्रॉ वर्ड्स पहला सेट ऑफ वर्ड्स जो हमने ए बी और सी ये वाले लेट मी नॉट कन्फ्यूज यू ए बी सी नहीं लिखती मैं क्योंकि ऑलरेडी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं सो ये अगर मैं वन टू और थ्री लिखू तो पहले वाला वन टू और थ्री क्या है हमारा रेगुलर वर्ब्स है एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वीक वर्ब्स और ये जो हमारा सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स है दैट इज वन पॉइंट वन एंड टू पॉइंट वन

बहुत सारे वर्ड्स हैं बहुत सारे वर्ब्स हैं, वीई आर बी एस आप बहुत सारे वर्ब्स का लिस्ट बनाइए वो लिस्ट को वी वन बी टू वी थ्री वी फोर में डालिए लिखिए प्रैक्टिस कीजिए दैट विल हेल्प यू टू मास्टर योर वर्ब्स ठीक है मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से एक्सप्लेनेशन के पर्पज से आपको तीन तीन का सेट बना के स्ट्रांग वर्ब्स और वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स एक्सप्लेन किया एट द सेम टाइम मैंने आपको वी वन बी टू और वी थ्री और वी फोर ये चार क्या चीजें हैं वो भी एक्सप्लेन की आई होप ये स्लाइड क्लियर है राइट right? कोई इसमें डाउट नहीं है कोई डिफिकल्टी नहीं है आगे बढ़ते हैं अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपकी की टेबल हमने कंप्लीट कर ली वह की टेबल समझ ली अब हम समझते हैं टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वर्ब जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है अब हेल्पिंग वर्ब की टेबल बहुत मजेदार है मुझे ये टेबल पढ़ाने में समझाने में बहुत मजा आता है अब ये टेबल में हमारा थोड़ा सा Uh, चीज अलग है सो वट डू वी हैव यर वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास टेंस And we have helping verbs of future tense. कुछ लोग इसको कुछ अलग तरीके से भी बताते हैं but मुझे लगता है कि अगर हम tenses कर रहे हैं और tenses में हम present, past और future ये words use कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर कुछ अलग words क्यों use करें हम क्यों खुद को confuse करें Let us stick to the same प्रेजेंट टेंस टेंस पास्ट और फ्यूचर को मैं समझा रही हूँ एकदम ध्यान से यहाँ पे सुनना है ये टेबल इक्वली इंपॉर्टेंट है ये टेबल इक्वली आप कह सकते हैं कि बेस या फाउंडेशन में आपको हेल्प करती है सो दिस टेबल इज समथिंग दैट वी आर सपोज टू डू विथ इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन तो ध्यान देते हैं अब प्रेजेंटेंस देखो आप प्रेजेंटेंस प्रेजेंट की एक आपको बात बता दू बहुत मजेदार वाली देखो ग्रामर को आप आपके लाइफ के साथ लिंक करो आप, आपके लाइफ में उसको ढाल के समझने की कोशिश करो तो ग्रामर विल बी फन अदरवाइज मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं अरे यार ग्रामर बहुत ड्राई है बहुत बोरिंग है मुझे बोरिंग या ड्राई नहीं लगता है बिकॉज आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेटेड इन माई डेली लाइफ आप भी वो करो आप एंजॉय करोगे अब देखिए सबसे ज्यादा तकलीफ अपने को कौन देता है प्रेजेंट देता है प्रेजेंट क्यों तकलीफ देता है क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है प्रेजेंट इज गोइंग ऑन राइट तो प्रेजेंट में आज मुझे चोट लगी तो आज मुझे वो चोट तकलीफ देगी राइट पास्ट बचपन में चोट लगी थी मैं भूल भी गई पास्ट तकलीफ नहीं देता बेचारा चला गया बराबर फ्यूचर तकलीफ कैसे देगा अभी तक तो वो आया ही नहीं तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है पास्ट कम तकलीफ देता है क्योंकि बीत गया फ्यूचर तो बेचारा अभी आया नहीं तो क्या तकलीफ देगा ग्रामर में भी सेम है प्रेजेंट बहुत तकलीफ देता है क्योंकि प्रेजेंट चालू है राइट right? बॉम्बे में बम्बैया भाषा में बोलते हैं ये बहुत चालू है तो जो चालू लोग होते हैं ना उनसे लोग दूर रहते हैं अब खैर हम दूर तो रह नहीं सकते प्रेजेंट से क्योंकि प्रेजेंट में हम जी रहे हैं तो दूर नहीं रह सकते लेकिन हमको सावधान रहना पड़ेगा और प्रेजेंट में तो सावधान रहना ही चाहिए ना लोग बोलते हैं ना वट एवर यू डू यू शुड बी केयरफुल ध्यान देना सतर्क रहना अलर्ट रहना तो हम यहाँ पे वही करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट में थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग अच्छा प्रेजेंट में हर कोई नाटक करता है हर कोई नखरे करता है प्रेजेंट में हर किसी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं हर किसी को अलग अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है पास्ट बेचारा गया पास्ट में किसी ने कोई डिमांड रखी भी होगी ना तो लोग भूल जाते हैं फ्यूचर तो जब आएगा तब हम डिमांड प्लेस करेंगे या नाटक करेंगे या नखरे करेंगे बात की बात अब प्रेजेंट में क्या होता है जितने भी सिंगुलर्स हैं उन सारे सिंगुलर्स को बोला जाता है कि भाई आप सबके लिए कौन सा वर्ड हमने अलॉट कर दिया है हमने अलॉट कर दिया है इज जितने भी सिंगुलर्स हैं सबके लिए इज और जितने भी प्लूरल है उन सबके लिए आर अब सारे लोग इस अरेंजमेंट से खुश है चलो सारे सिंगुलर्स इज ले लो सारे प्लूरल्स आर ले लो ही है तो ही के साथ हम क्या लिखते हैं इज दे है तो दे के साथ हम क्या लिखते हैं आर अब ये अरेंजमेंट सबने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हुई प्रॉब्लम हुई मैं आई मैं मतलब मैं नहीं मैं का और एक अर्थ होता है ईगो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में हिंदी में मैं का मतलब एक और मतलब होता है ईगो तो यहाँ पे मैं मतलब आई आई को थोड़ी सी तकलीफ हुई आई ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई मैं आप मुझे कॉमन में नहीं गिन सकते मैं सिंगुलर हूं लेकिन मैं इज नहीं ले रहा तो और प्लूरल तो मैं हूं नहीं तो आर तो मैं लूंगा नहीं आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट मुझे कुछ तो अलग चाहिए तो अब अलग क्या देंगे तो लोगों ने कहा कि भाई दे दो भाई आई है थोड़ा सा इसको मैं है थोड़ा सा इसको ईगो है दे दो इसको एम दे दो तो आई 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 के साथ हम क्या यूज करते हैं एम एम राइट राइट सो विल से से अ अ अ टीचर यू 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 आर आर स्टूडेंट स्टूडेंट इन द सेंस आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट आई से ही इज अ स्टूडेंट यू विल से शी इज अ स्टूडेंट एंड वी विल से दे आर स्टूडेंट्स सो सिंगुलर के साथ इज प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम अब ये जो सिलसिला शुरू किया आई ने ये आगे बढ़ा आगे कैसे बढ़ा मैं बताती हूं बाकी सबके लिए हैव ऑल राइट बाकी सबके लिए हैव आई हैव अ कार दे हैव अ कार बट यहां पे ईगो हट हो गया ही और शी का ही और शी ने कहा नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा ऊपर देखिए आपने आई को एक अलग ट्रीटमेंट दिया आई को आपने एम दिया तब हम कुछ नहीं बोले तब हम चुप रहे अब हमको कुछ तो अलग चाहिए तो फिर कहा कि भाई अब ये तो गलती हो गई एक बार किसी को फेवर कर दिया स्पेशल एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे दिया तो बाकी के लोग भी मांगेंगे देना पड़ेगा तो क्या हो गया ही और शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ हो गया हैज सो आई अ कार बट ही हैज अ कार राइट समझ रहे हो आप अगर मैं बोलू आई हैव बुक तो हम जवाब में अगर शी लिख रहे हैं तो शी में क्या लिखेंगे हम शी हैज बुक अच्छा ये सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है अगर आप देखोगे तो जितने भी बार आप ही और शी लिखते हो आपके वर्ब में भी एक एडिशनल एस आता है फॉर एग्जाम्पल आई सिंग सॉन्ग बट ही सिंग्स अ सॉन्ग ऐसा आ गया आई प्ले क्रिकेट बट देन ही प्लेज क्रिकेट गॉड इट तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ा किसको देना पड़ा ही और शी को, बाकी सारी दुनिया खुश थी विथ हैव समझ में आई बात हम्म अब ये चीज आगे और कंटिन्यू हुई अब आगे कैसे कंटिन्यू हुई बाकी सबको मिला डू ही और शी ने कहा नहीं नहीं भाई हम डू से काम नहीं चलाएंगे अब कैसे ना हमको एंड में एस की आदत पड़ गई है यहाँ पे आपने हमको हैज में प्लेज में एस दे दिया जम्पस में, में, में एस दे दिया हर वर्ब में हमको आपने एस दे दिया तो यहाँ पे तो हम डू नहीं चला सकते गिव something दैट ends विथ एस yes. हमको ऐसा कुछ दे दो जो एस में एंड होता है तो अब ग्रामर की दुनिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बोला दे दो भाई दे दो एक बार अब गलती की तो भुगतना तो पड़ेगा अब उनको वापस मिल गया डस तो आई डू माई वर्क बट देन ही डज डेज वर्क दे डू देर वर्क बट देन शी डज हर वर्क लॉजिक समझ में आया डू और डज का और हैज का क्लियर हो गया इज आर एम डू डज हैव हैज ये आपके प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं गॉट इट प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स इस टेबल को बाय हार्ट कर लेना रट लेना जिंदगी भर काम आएगी बहुत सारे ग्रामर टॉपिक्स में काम आएगी बेसिक इंग्लिश सुधारने में काम आएगी करेक्ट सेंटेंसेस लिखने में काम आएगी राइट और ये तो अभी चल रहा है अभी तो हम खत्म नहीं हुआ है हम आगे बढ़ रहे हैं अब देखो पास्ट जैसे मैंने बोला पास्ट तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि पास्ट तो बेचारा बीत गया जो बीत गया वो क्या तकलीफ देगा तो पास्ट में बोला गया कि भाई जितने भी सिंगुलर्स हैं चुपचाप सब वॉज ले लो तो अब यहाँ पे सिंगुलर्स सारे सिंगुलर्स ने वॉज ले लिया आई को यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला आई को बोला देखो भाई प्रेजेंट में तुमको जो नाटक करना था तुमने कर लिया यहाँ पे तुमको वॉज ही मिलेगा सो आई वॉज अ टीचर ही वॉज अ स्टूडेंट She was a student. सबको वॉज मिला सारे सिंगुलर्स को ठीक है अब प्लूरल्स को बोला भाई सारे प्लूरल्स आप लोग वर ले लो सो so, सारे प्लूरल्स को क्या मिल गया वर ऑल द सिंगुलर्स वॉज ऑल द भी वितव और थे वो चेंज हो गए हैड में

आई को एक्सेप्शन मिला ही शी को एक्सेप्शन मिला पास्ट में किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं सिंगुलर सारे वॉर्स प्लूरल सारे वर, डू एंड हो गए, डिड, हैव एंड हैज हो गए वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक, अब बात आती है फ्यूचर की तो फ्यूचर में विल एंड शाल एंड मे ये चार आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल हो गई खत्म अब ये जो हेल्पिंग वर्ब की टेबल है ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए ये टेबल अगर आपको बाय हार्ट है तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम होंगे आपका टेंसेस के ऊपर कमांड एकदम जोरदार होगा हम बहुत सिस्टमैटिक वे में आगे जा रहे हैं हमने वर्ब्स की टेबल की हमने हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल की और इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन से टेबल ऑफ टेंसेस ऐसे हो जाएगा राइट सो टेबल ऑफ पहले क्या किया हमने उसके पहले हमारा होमवर्क किया उसके पहले हमने हमारा फाउंडेशन डाउन किया उसके पहले हमने हमारी नीव बनाई हमने हमारे वर्ब्स को समझा वर्ब्स के फंक्शन को समझा हेल्पिंग वर्ब्स को समझा हेल्पिंग वर्ब्स के फंक्शन को समझा टेबल ऑफ वर्ब्स को समझा टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स को समझा और जब फाइनली अब हम टेंसेस करेंगे तो यू रियलाइज अरे ये तो इतना इजी था ये तो मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया या पहले किसी ने क्यों नहीं बताया सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन राइट सो अब हम मूव करते हैं आपके टेबल ऑफ टेंसेस के तरफ ऑल राइट सो टेबल ऑफ टेंसेस के लिए सब लोग रेडी है ऑल सेट हमारा होमवर्क हो चुका है हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ लिया है अब टेबल ऑफ टेंसेस चुटकी भर में हो जाएगा इट्स वेरी बेसिक वेरी सिंपल अब देखिए जब हम टेंसेस की बात करते हैं लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जितने भी लोग जो लोग इंग्लिश uh, अच्छे से सीखना चाहते हैं कुछ लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाते हैं उनको सबको शुरुआत में बेसिक जो होता है ना वो टेंसेस सिखाया जाता है सो so, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहे हो खुद को तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी टेंसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन होता है फिर जब हम कॉर्पोरेट कंपनीज में सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो वहां पे भी टेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन आपको करना है तो उसमें आपके टेंसेस सही होने बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि हमने क्या किया हम क्या कर रहे हैं या हम फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हैं या फिर अभी कौन आया? थोड़ी देर बाद कौन आने वाला है या फिर कल कौन आने वाला है या कल कौन आया था तो हम जितनी भी बात करते हैं वो बिना के तो तो आप कर ही नहीं पाओगे। अब ये जो वर्ड है टेम्पस right? टेम्पस का मतलब होता है टाइम सो so, इसका मतलब क्या हो गया कि टेंसेस आपको बताते हैं कि काम कब हुआ देखो टेंसेस किससे रिलेटेड है मैंने आपको कहा था जब वर्ब का फंक्शन एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बोला वर्ब टेल यू अबाउट द इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस अब वर्ब अगर आपको सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है तो अब यहां पे दो चीजें हो गई पहली चीज क्या हो गई टेंसेस आपको बताता है कि कौन से टाइम पे वो काम हुआ था क्योंकि वर्ब बता रहा है ना आपको टेंस के बारे में तो वर्ब इज बेसिकली काम

अब बात इतनी सी होती तो कोई बात नहीं थी क्योंकि जो हो गया वो पास्ट और जो हो रहा है वो प्रेजेंट और जो होने वाला है वो फ्यूचर बात इतनी सी नहीं है बात ये है कि बहुत सारे वेरिएशंस इसमें आ जाते हैं तो जब हम आज की बात करते हैं तो बहुत सारे काम आज के दिन में मैं कर चुकी हूं बहुत सारे काम आज के दिन में मेरे चल रहे हैं मैं कर रही हूँ और बहुत सारे काम आज के दिन में आ, मेरे आ, होते हैं लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि आई ब्रश माई टीथ तो वो तो मैं रोज ब्रश करती हूँ तो उसको दो आई एम स्पीकिंग इन प्रेजेंट टेंस उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इन सो ये क्या होता है आपके काम के अलग अलग स्टेजेस होते हैं कुछ काम खत्म हो गए कुछ काम चल रहे हैं कुछ काम अभी चल रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगे सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास बारह अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं अब ये बारह कैसे डिवाइड होते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ प्रेजेंट में हमारे पास चार टाइप्स हैं पास्ट में चार और फ्यूचर में चार अब इनको समझ लेते हैं मैं पहले प्रेजेंट लिखूंगी बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला बोलने वाले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर बोलते हैं बट मुझे लगता है कि शुरुआत हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट से करनी चाहिए एंड उसके बाद हम ग्रेजुअली पास्ट एंड फिर फ्यूचर वो भी पढ़ लेंगे सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंटेंस अब जब आप सिंपल प्रेजेंटेंस की बात करते हो तो सिंपल प्रेजेंटेंस होता है तो वो काम खत्म हो गया भाई पता नहीं अभी चल रहा है नहीं भाई अभी तो नहीं चल रहा है अभी चल रहा है और कुछ देर में खत्म हो जाएगा नहीं इनडेफिनेट तो जो चीजें रोज होती है ना हैबिचुअल एक्शन उनको हम सिंपल प्रेजेंटेंस में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ ठीक है जब आप बोलते हो आई ब्रश माई टीथ तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंटेंस में आप रोज टीथ ब्रश करते हो तो उसको आप एकदम कंप्लीट पास्ट में कभी नहीं डाल सकते आप हाँ, आप अगर आप ऐसे बोलते हो आई ब्रश माई टीथ येस्टरडे येस्टरडे लिखते हो तब वो सिंपल पास्ट हो गया लेकिन आप नॉर्मली क्या बोलोगे आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड तो वेन यू से आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड तो ये सिंपल प्रेजेंटेंस हो गया आप रोज आपकी टीथ ब्रश करते हो बिफोर गोइंग टू बेड अगर आप बोलते हो कि माई मदर कुक्स फूड तो वो रोज कुक करती है ना तो सिंपल प्रेजेंटेंस हो गया अगर आप बोलते हो द सन इज अ स्टार तो सन स्टार है राइट right? वो रोज स्टार है आज भी है कल भी है परसों भी है द डे सन विल नॉट बी अ स्टार हमारी पृथ्वी खत्म हम बोलते हैं द अर्थ इज अ प्लानट तो अर्थ प्लान है राइट right? अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि अर्थ प्लैनेट बन चुका या बन रहा है या बनने वाला है नहीं इट्स अ स्टेट ऑफ बींग हम उसको क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ बींग फॉर आई एम अ अ टीचर 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 इट इज स्टेट ऑफ मैं आज भी टीचर हूं, कल भी कल रहूंगी कब तक रहूंगी पता नहीं भाई तो वो इनडेफिनेट हो गया ना स्टेट ऑफ बींग बोलते हैं हम उसको तो सिंपल प्रेजेंटेंस इज अ स्टेट ऑफ बींग सिंपल प्रेजेंटेंस को हम प्रेजेंट इनडेफिनेट भी बोलते हैं अब मैं आपको और एक दो चीजें इसमें बताती हूँ मोस्ट ऑफ द प्रवर्ब्स जितने भी हम प्रवर्ब्स या मुहावरे पढ़ते हैं वो प्रेजेंटेंस में होते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस में क्यों क्योंकि आपने पास्ट में लिख दिया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी आप क्या बोलोगे मैम ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी ना आज क्यों पढ़ा रहे हो आप ये मुहावरा हमको क्यों सिखा रहे हो सो आईल से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लोग माने नहीं माने बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी स्लो एंड स्टडी विंस दर एस खरगोश और कछवे की कहानी अब वो तो मेरे बचपन में ही जीत गया था लेकिन बोलने के लिए हम आज भी क्या बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस राइट इन द सेम वे और जितने भी आप प्रोवर्ब्स उठा के देखोगे यू विल रियलाइज ऑल ऑफ देम इन प्रेजेंट प्रेजेंटेंस कब तक रहेंगे हमको नहीं पता इनडेफिनेट एक आधा एक्सेप्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि रोम बन चुका ठीक है रोम इज अ सिटी जो बन चुकी तो इसीलिए हम रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बोलते हैं बट मोस्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स अदरवाइज आर इन सिंपल प्रेजेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंटेंस में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ आई गो टू कॉलेज आई स्टडी आई वॉच टीवी आई प्ले ये हमारी हैबिचुअल चीजें हैं हम रोज करते हैं रोज मतलब रोज नहीं भी करो तो भी आप ऐसे ही बोलोगे ना आई प्ले क्रिकेट यू मे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे बट आप बोलने के लिए बोलते हो आई प्ले

अब ये हेल्प कॉलम में मैं क्या कर रही हूं मैं लिख रही हूं कि क्या हमने यहाँ पे यूज किया है तो यहां पे मैंने सिर्फ V1 वन यूज किया है सिंपल प्रेजेंटेंस में आप सिर्फ V1 को यूज करोगे अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दू जो आपको ध्यान में रखनी है यू विल मेंटेन अ बैलेंस मेंटेन अ बैलेंस इन द सेंस आप देखोगे कि आपका वर्ब आपके टेबल को जस्टिफाई कर रहा है यानी सिंपल प्रेजेंटेंस में एक वर्ब है तो आपके टेबल में भी हमने सिर्फ वी लिखा है ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया को हम हम भी भी बोलते बोलते हैं, हैं, या फिर हम उसको present continuous भी बोलते हैं क्योंकि ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये काम प्रोग्रेस कर रहा है तो अगर वो काम प्रोग्रेस कर रहा है तो यू कैन सिंपली राइट इट एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वॉट एवर अब ये सेम सेंटेंस को अगर मैं रीराइट करूं इन प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हरी क्या कर रहा है हरी लेटर लिख रहा है अब एक चीज आप लोग दिमाग में डाल लो कंटिन्यूस मतलब आईएनजी तो जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो हम कंटिन्यूस में हमेशा यूज करते हैं अब उसको अगर हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना है तो प्रेजेंट के लिए मैं मेरे प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के टेबल से एक वर्ड उठाऊंगी अब हरी सिंगुलर है हरी सिंगुलर है इसलिए मैं इसको उठाऊंगी और कंटिन्यूस के लिए मैं किसको उठाऊंगी राइटिंग वी फोर सो कंटिन्यूस इज ऑलवेज आई इतनी चीज आप गांठ बांध लो सो so, यहां पे अब मेरी हेल्प कॉलम क्या हो गई अब मेरी हेल्प कॉलम हो गई इज या तो आर या तो एम प्लस वी फोर अब ये इज आर एम इतनी बड़ी मैंने ट्रेन क्यों बना दी इतनी बड़ी ट्रेन इसलिए बना दी क्योंकि प्रेजेंटेंस है आपको याद है मैंने क्या कहा था प्रेजेंटेंस थोड़ा सा तकलीफ देता है तो तकलीफ देता है अगर आपका वर्ब यहाँ पे हरी है इसीलिए हमने इज इस लिखा है लेकिन अगर आपका वर्ब आई होता तो हम क्या लिखते आई एम राइटिंग अ लेटर और अगर आपका वर्ब प्लूरल होता दे तो हम लिखते दे आर राइटिंग लेटर्स तो मैंने आपको तीनों चीज दे दी है हेल्प कॉलम में सो दैट डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट आप उसको इज या आर या एम प्लस वी फोर लिख दो ठीक है, है, में क्या होता है? जब जब आपने आपने देखा या जब आपने किसी को बताया, तब वो काम चल रहा था. लेटर लेकिन परफेक्ट में क्या होता है आपने देखा कि हरी ने लेटर को लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट जो काम चल रहा है कभी ना कभी तो खत्म होगा ना अभी काम प्रेजेंट में खत्म हो गया अब आप आपके वर्ब के टेबल को रिकलेक्ट करो जो हमने वी वन वी टू वी थ्री वी फोर किया था उसमें जो आपका वी थ्री का टेबल है जो मैंने बोला था पास्ट पार्टिसिपल है यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट में में या पास्ट में, या फ्यूचर परफेक्ट में हम हमेशा वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं कौन सा फॉर्म यूज करते हैं वी थ्री राइट आई बात समझ में सो so यहां पे हम क्या करेंगे हरी अब मुझे इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट तो मैं प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लूंगी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब मैं लूंगी हैज़ हैज़ अब has क्यों लूंगी? क्योंकि आपका वी थ्री होता है राइट रोट रिटर्न तो हम हरी इज रिटर्न लेटर नहीं लिख सकते इसलिए हम क्या करते हैं हरी हैज रिटर्न अटर अब रिटर्न हो गया आपका वी थ्री फॉर्म इससे हमको पता चलता है कि हरी ने आज के दिन में लेटर को कंप्लीटली लिख लिया है उसका लेटर लिखने का काम हो गया है सो आपकी टेबल क्या बनेगी हेल्प टेबल हेल्प टेबल बनेगी है प्लस वी थ्री अच्छा हैज या हैव प्लस वी थ्री क्यों हैज इसीलिए कि अगर आप और कोई वर्ड यूज कर रहे हो अब हरी को अगर आप प्रोनाउन में चेंज करोगे तो वो ही हो जाएगा तो ही के साथ हैज हाँ आता है बाकी सबके साथ हैव हाँ आता है ना तो अगर आई होगा तो मैं क्या लिखूंगी आई हैव रिटन अ लेटर दे होगा तो हम क्या लिखेंगे दे हैव रिटन लेटर्स बट अगर हरी है तो हरी हैज रिटन अ लेटर तो ये आपके प्रेजेंट को जस्टिफाई करता है और ये परफेक्ट को तो आप जो भी यहां पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो ना दैट हैज टू जस्टिफाई योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस वॉट एवर अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जब आपने देखा तो वो काम चल रहा था लेकिन जिस स्पीड पे चल रहा था आपको पता है कि वो काम आज ही खत्म होगा सो फॉर एग्जाम्पल आप गए आपने देखा कि हरी लेटर लिख रहा है लेकिन आपने देखा कि वो पेज के एंड की तरफ बढ़ रहा है तो अभी आज के डेट में एट प्रेजेंट उसका काम चल रहा है कंटिन्यूस है बट उसकी स्पीड को देखते हुए आपको पता है कि ये काम आज के दिन में ही खत्म भी हो जाएगा तो जब आज के दिन में खत्म भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अब देखो अब हमको बच्चे लोग जस्टिफाई करने के लिए तीन चीजें चाहिए एक चाहिए जो हमको बता सके कि ये प्रेजेंट है एक चाहिए जो हमको बता सके कि ये परफेक्ट है और एक चाहिए जो हमको बता सके कि ये कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे हरी प्रेजेंट के लिए मैंने यूज किया हैज परफेक्ट के लिए मैंने यूज किया बीन और कंटिन्यूस के लिए मैंने यूज किया राइटिंग हरी हैज बीन राइटिंग अ लेटर तो यहां पे मेरी सेंटेंस कॉन्सेटेंस में हो गई प्रेजेंट पर राइट तो है -E आपको बतायालवेज बी फोर अब यहां पर आपको एक मिनट थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा पॉज क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास एक नया वर्ड आ गया है यह नया वर्ड है बीन अब बीन कहां से आया कौन सी नागिनाई और किसने बीन बजाई वो वाली बीन नहीं हिंदी वाली बीन नहीं इंग्लिश वाला बीन अब ये बीन का मैं आपको थोड़ा सा एक जस्टिफिकेशन दे देती हूँ ये नोट डाउन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है बी ठीक है बी ई बी अब ये जो हेल्पिंग वर्ब बी है ना दिस इज द फॉर्म ऑफ इज आर एम जहां कहीं भी आप इज आर एम नहीं यूज कर सकते वहां पे हम बी यूज करते हैं इज आर एम बी के प्रकार हैं ठीक है अब ये बी के प्रकार है और बी आपका बेसिक है बेसिक है इन द सेंस इट इज योर वी वन ठीक है ये आपका वी वन है मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन लिख के बता देती हूँ बिकॉज आई बिलीव इसको अच्छे से लिखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे सो so, आपका जो V1 है V1 या फिर जो आपका बेस फॉर्म है या आपका प्रेजेंट फॉर्म है वो क्या है बी बीई बी अब बीई बी एक्चुअली क्या है बीई बी हम पढ़ चुके हैं आपका इज आर एम ही बी है जहां कहीं भी आप इज आर एम नहीं यूज कर सकते वहां पे हम बी यूज करते हैं इसकी आगे क्लैरिटी आएगी मे बी आगे मैं एक वीडियो स्पेशली इसके ऊपर बनाऊंगी बट फिलहाल इतना याद रखिए आप अब इसका जो वी टू फॉर्म आता है इसका वी टू फॉर्म होता है वॉज या वर वॉज या वर क्यों होता है क्योंकि अगर आपका बी इज है तो आपका पास्ट टेंस हो गया वॉस और अगर आपका बी आर है तो आपका पास्ट टेंस हो गया वर देन वी हैव सो आपका पास पार्टिसिपल हो गया आपका पास पार्टिसिपल हो जाता है बीन बी डबल एंड आपका वी फोर यहाँ पे क्या होता है तो आपका वी फोर होता है बीई आई एन जी वी वन प्लस आई एन जी सो ये वी वन वी टू वी थ्री वी फोर समझ में आया अब ये समझिए आप आपका जोकर है जब हम कार्ड्स खेलते हैं और जोकर आ गया तो जोकर हम किसी भी पत्ते की जगह यूज कर सकते हैं तो वैसे ही इनको हम किसी भी पत्ता नहीं बोलूंगी जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंट में इस आरएम नहीं यूज कर सकते तो उसकी जगह पे आप भी यूज कर सकते हो अब यहां परफेक्ट में हम हमेशा V3 यूज करते हैं अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और आप मुझे बताओ आप वर्ब का V3 और V4 फॉर्म साथ में नहीं यूज कर सकते आप ये नहीं लिख सकते हरी हैज रिटर्न राइटिंग अ लेटर नहीं कर सकते तो रिटर्न V3 फॉर्म है जो मैंने ऊपर ऑलरेडी यूज कर लिया है तो यहाँ पे V3 फॉर्म कौन सा यूज करेंगे बीन यूज करेंगे राइट सो so आपका हैज किसको जस्टिफाई करता है प्रेजेंट टेंस को बीन किसको जस्टिफाई करता है परफेक्ट को और राइटिंग किसको जस्टिफाई करता है continuous को दैट इज कंटिन्यूअस कोफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आना ही आना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आना ही आना है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आना ही आना है इतनी चीज क्लियर हो गई ठीक है सो so, आपका हेल्प टेबल क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ ई वन यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस uh, में हम इज आर एम प्लस वी फोर यूज करते हैं पास परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वी थ्री यूज करते हैं और प्रेजेंट पर हम हैज याव प्लस बी एन प्लस वी फोर यूज करते हैं ये अगर आप कॉलम याद रखोगे हेल्प कॉलम तो दिस विल हेल्प यू टू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट एंड टू पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट की टेबल क्लियर हो गई राइट पास की टेबल इक्वली क्लियर है लेटेस मूव टू द टेबल ऑफ योर पास्ट टेंस अब देखो पास में भी हमको वही सारे फॉर्म्स आएंगे हमारे पास सिंपल पास्ट आएगा पहला उसके बाद हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस आएगा दूसरा क्योंकि अगर कोई काम पास्ट टेंस में हुआ था तो कोई काम ऐसा भी होगा ना जो पास्ट में चल रहा था राइट इन द सेम वे कोई काम ऐसा भी होगा जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट में वो अच्छे से कंप्लीट हो गया परफेक्ट हो गया तो हम उसको बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट इन द सेम वे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ होगा पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा होगा राइट और पास्ट में ही वो काम फिर खत्म भी हुआ होगा तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके पास टेंस के चार प्रकार राइट फोर टाइप्स अब इसी को हम सेम एग्जाम्पल अस नॉट चीट हरी अस नॉट यू नो बिट्रे हरी हरी ने हमारी प्रेजेंट में मदद की तो पास्ट में भी हम हरी को ही बुलाते हैं किसी और को नहीं बुलाते मदद करने तो पास्ट में हम क्या करेंगे हरी राइट की जगह पे अब क्या हो जाएगा हरी रोट अ लेटर. अब वाई डू वी राइट हरी रोट अ लेटर हरी को हम जब पास्ट में लिखते हैं कि पास्ट में वो लेटर लिख रहा था तो हम यहां so ये आपका वी टू हो गया अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सिंपल पास्ट टेंस में या तो आप सिर्फ वर्ब यूज करो या आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करो दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते दोनों साथ में यूज करोगे तो दैट्स क्लियर सो हरी रोट जस्टिफाई हो गया सिंपल पास्ट में एक ही चाहिए हमको और एक ही हमको मिला है और हमने पास्ट का ही सॉरी एक्शन वर्ड यूज किया है मेन वर्ड यूज किया है सो so, ये आपका बन जाता है सिंपल पास्ट जब आप पास्ट कंटिन्यूस करते हो तो अब आपको जस्टिफाई करने के लिए दो चीजें चाहिए पहली चीज चाहिए आपको एक पास्ट को जो जस्टिफाई करे और दूसरा कंटीन्यूअस को मैंने आपको पहले ही बोल दिया कंटीन्यूअस याद रखोगे कंटीन्यूअस बोला तो आईएनजी कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी ऑलराइट सो व्हाट डू वी डू इज वी से हरी वाज राइटिंग अ लेटर तो जब आप लिखते हो हरी वाज राइटिंग अ लेटर ये जस्टिफाई करता है आपके पास्ट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट इज वाज कंटीन्यूअस इज राइटिंग आपका हेल्प कॉलम क्या बनेगा वाज या तो वर वर क्यों बनेगा अगर आपका सब्जेक्ट uh, प्लूरल है तो आप वर यूज करोगे ना दे वर राइटिंग लेटर्स यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए हमने वॉज यूज किया अब पास परफेक्ट परफेक्ट में हमेशा वी थ्री रिमेम्बर तो वी थ्री वर्ब क्या है आपका रोट रोट का वी थ्री क्या होता है राइट रोट रिटन राइट तो यहाँ पे हम रिटन यूज करेंगे तो वॉट विल वी डू इज वी विल राइट हरी हैड अ लेटर वहां पे हमने हैज हाँ यूज किया था पे हम बोलेंगे हरी हैड रिटन अ लेटर क्योंकि हैड इज वर्ब ऑफ पास टेंस आपका हेल्प कॉलम बनेगा हैड प्लस जस्टिफाई करता है आपके पास्ट को और रिटन जस्टिफाई करता है आपके परफेक्ट को समझ में आया पास परफेक्ट क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट या पास परफेक्ट कंटिन्यूअस ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया इट टू बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो वेन यू टॉक अबाउट अ पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको क्या चाहिए यहाँ पे आपको तीन चीजें चाहिए एक जो आपके पास्ट को जस्टिफाई करे एक जो आपके परफेक्ट को जस्टिफाई करे और एक जो आपके कंटिन्यूस को जस्टिफाई करे तो इजी है हरी हमारा सब्जेक्ट पास्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम लेते हैं हैड ठीक है परफेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम मदद लेते हैं बीन की राइट एंड कंटीन्यूस को राइटिंग हरी हैड बीन राइटिंग अटर बहुत बेसिक है बच्चा लोग आप ध्यान देके पढ़ोगे तो इससे इजी टॉपिक और कोई नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सो पास के लिए हैड परफेक्ट के लिए बीन और कंटिन्यूस के लिए वी थ्री सॉरी वी फोर राइट सो दिस इज योर टेबल ऑफ पास्ट टेंस पास्ट टेंस के सारे टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ अ हेल्प कॉलम समझ में आई चीज पास टेंस हो गया पास के चारों टाइप्स हो गए आप अगर इसको अर्लियर स्लाइड से कंपेयर करोगे ना तो आप देखोगे हरी और लेटर तो कांस्टेंट है क्योंकि टेंस में आपके सब्जेक्ट का का ऑब्जेक्ट कोई काम ही नहीं होता है वो कांस्टेंट ही होते हैं आपका जो मेजर काम होता है वो आपके वर्प का भी नहीं बोलूंगी मैं हेल्पिंग वर्ब का होता है क्योंकि अगर आप प्रेजेंट के टेबल और पास्ट के टेबल के को देखोगे तो आपका वी थ्री वी फोर तो मोर और लेस वो ही है आपके कंटिन्यूस में आपका वी फोर ही जा रहा है आपके परफेक्ट में आपका वी थ्री ही जा रहा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस वी फोर ही जा रहा है सो हूज प्लेइंग अ मेजर रोल ओवर द मेजर रोल ओवर इज प्लेड बाई द हेल्पिंग वर्ब सो यहाँ पे जैसे हरी इज राइटिंग अ लेटर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया हरी वॉज राइटिंग अ लेटर तो पास कंटिन्यूस हो गया हरी हैज रिटन अ लेटर तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हरी हैड रिटन अ लेटर तो पास परफेक्ट हो गया एंड हरी बीन राइटिंग राइट सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब इसीलिए मैंने आपको कहा हेल्पिंग वर्ब की टेबल को प्लीज रट लो जिंदगी भर काम आएगी जिंदगी भर जब तक इंग्लिश में बात करना है तब तक हमको हेल्पिंग वर्ब की टेबल को याद रखना है ठीक है क्लियर अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली स्लाइड की तरफ अब अगले स्लाइड में हमारे पास क्या बच गया हमारे पास फ्यूचर बच गया अब मैंने आपको पहले ही कहा आपका फ्यूचर बनाना बहुत सिंपल है फ्यूचर कैसे बनता है बच्चा लोग फ्यूचर बनता है प्रेजेंट प्रेजेंट से प्रेसंट पे फोकस करो आपका फ्यूचर अपने आप ब्राइट बनेगा राइट सो दैट इज वॉट ग्रामर ऑल्सो डज एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ प्रेजेंट में आ गया ईट उसके आगे आप विल लगा दो विल ईट बन गया आपका फ्यूचर प्रेजेंट में गो विल गो लगा दो फ्यूचर प्ले विल प्ले जम्पिल आप जैसे ही आपके प्रेजेंट के आगे विल लगाते हो आपको आपका फ्यूचर मिल जाता है राइट वेरी बेसिक वेरी क्लियर वेरी सिंपल सो सिंपल फ्यूचर आप करते हैं सिंपल फ्यूचर में वापस हरी की मदद लेते हैं हरी हमको फ्यूचर भी बताएगा सो हरी विल राइट अ लेटर अब ये हो गया आपका फ्यूचर अब ये फ्यूचर कैसे हो गया बच्चा लोग वॉट डिड आई डू ओवर मैंने आपका जो बेस वर्ब है that is right, उसके आगे विल लगा दिया। तो विल हमेशा फ्यूचर इंडिकेट करता है द मिनिट आप विन करते हो आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है सिंपल फ्यूचर में विल कम विल सेट विल स्टैंड विल डांस विल जम्प विल ईट वेर एवर यू एड the word will with a helping verb no sorry not a helping verb with a v1 your tense changes to simple future theek hai simple future ho gaya now ab isko mujhe change karna hai into future continuous ab dekho maine aapko kya bola future present tense ki help lega hi lega कोई भी ऐसा future continuous या future perfect नहीं बनेगा बिना present tense की मदद के Simple future में हमने किसकी मदद ली राइट right की जो प्रेजेंट है यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम लिखेंगे हरी विल अब देखो कंटिन्यूस मैंने आपको बोला जी राइट लेकिन आप हरी विल राइटिंग लेटर नहीं लिख सकते इट साउंड करेक्ट सो हरी विल बी मोर ओवर हरी लेटर लिखेगा फ्यूचर में तो हरी विल बी राइटिंग अ लेटर मैंने आपको क्या बताया जहां पे आप इज आर एम नहीं यूज कर सकते वहां पे आप बी यूज करते हो बी इज अल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंटेंस यहाँ पे दोबारा हमने प्रेजेंट की मदद ली तो ये आपका फ्यूचर और ये आपका कंटिन्यूस और ये प्रेजेंट यहाँ पे आना ही आना है क्योंकि आपके सारे फ्यूचर के एग्जाम्पल्स में आप देखोगे एक का देल्पिंग वर्ब या वर्ब प्रेजेंट का आएगा ऊपर आपके एक्शन uh, वर्ब आया नीचे आपके हेल्पिंग वर्ब आया ठीक है देन वी टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं परफेक्ट में हम हमेशा यूज़ करते हैं वी थ्री तो अब यहाँ पे जब मुझे वी थ्री यूज़ करना है तो मैं क्या करूंगी हरी विल रिटर्न अ लेटर बट देन हरी विल रिटर्न अ लेटर पहली बात तो साउंड इनकरेक्ट करता है दूसरा हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं हम फ्यूचर की के सेंटेंस में प्रेजेंट की मदद नहीं ले रहे हैं जो हमको लेनी ही लेनी है तो प्रेजेंट की मदद यहाँ पे हम लेंगे और वो प्रेजेंट है हैव सो हरी विल हैव रिटर्न अटर कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम हमेशा हैव ही आता है हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हैव ही आता है परफेक्ट में कंटिन्यूस में बी ही आता है ठीक है so, सो ये हो गया आपका प्रेजेंट और रिटर्न हो गया आपका परफेक्ट आपका हेल्प कॉलम क्या बनेगा आपका हेल्प कॉलम बनेगा विल प्लस हैव प्लस बी फोर आपका हैव ही रहेगा और आपका सॉरी नॉट वी फोर कंटिन्यूअस है ना ये तो कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे कंटिन्यूस में हम लिखेंगे वी वी थ्री थ्री रिटर्न इज फॉर्म क्लियर हो गई ये चीज अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ तो अभी फ्यूचर को जस्टिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस को जस्टिफाई करने के लिए आई एन जी और फिर परफेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए बीन बट यहां पे भी हम मदद लेंगे एक हेल्पिंग वर्ब की जो प्रेजेंटेंस का है तो हरी विल जो प्रेजेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है हरी विल हैव इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं क्योंकि वहां पे इट विल क्लैश टेबल, सो हरी विल हैव है बीन राइटिंग अ लेटर ये कंटिन्यूअस है ना इसलिए राइटिंग तो अब अगर आप इस टेबल को स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा विल इज फॉर फ्यूचर हमने प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया है जैसे मैंने आपको बताया था बीन इज परफेक्ट एंड राइटिंग इज कंटिन्यूस आपका हेल्प कॉलम क्या बना विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर दैट इज आई एन जी ये चीज क्लियर हुई राइट right? अब ये आपके हो गए बारह टाइप के टेंसेस विथ प्रॉपर एग्जाम्पल विथ प्रॉपर हेल्प कॉलम विथ प्रॉपर होमवर्क विथ प्रॉपर फाउंडेशन हमने वर्ब्स किए हमने हेल्पिंग वर्ब्स किए हमने वर्ब के फंक्शन को किया हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन को किया वर्ब के टेबल को किया हेल्पिंग वर्ब के टेबल को किया एंड फाइनली टेबल ऑफ टेंसेस किया राइट right? So, जैसे मैथ्स अगर आपको पक्का बनाना है तो आपको टेबल्स आनी जरूरी है वैसे अगर आपको आपका ग्रामर पक्का बनाना है तो ये तीन टेबल्स आनी जरूरी है कौन सी तीन टेबल्स टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब टेबल ऑफ वर्ब एंड टेबल ऑफ टेंसेस सो आई होप एंड आई बिलीव लेक्चर के बाद आप तीनों टेबल को मास्टर करने के लिए मेहनत करोगे आप टेबल ऑफ हेल्पिंग हर्ट कर लोगे ऑफ वर्ब्स में मैंने जैसे आपको बताया और बहुत सारे उसका वी टू वी थ्री वी फॉर्म बना के देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सा वीक वर्ब क्या एक्सेप्शन है उसके ऊपर काम कीजिए एंड देन ऑल्सो वर्क ऑन द टेबल ऑफ टेंसेज राइट come to an end to your topic of tenses Download the app now.